फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कार्य पत्रिका, जो कि क्रम संख्या है 65, कक्षा नर्सरी की है। बच्चों के दिनांक है 7 अप्रैल। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए एक कहानी सुनते हैं, धीरज और ध्रुव। क्या किसकी कहानी है बच्चों? धीरज और ध्रुव। तो एक दिन धीरज और ध्रुव स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने एक ख़राब गाड़ी देखी जिसमें से धुआं निकल रहा था। दोनों ने गाड़ी को धक्का लगाया। गाड़ी वाले ने उनका धन्यवाद किया। धक्का लगाते समय उनके कपड़े पर धब्बे लग गए। घर पहुंचने पर उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि उनके कपड़े कैसे गंदे हुए। मम्मी ने उन्हें शाबाशी दी और खाने में पकौड़े और धनिए की चटनी दी। फिर मम्मी ने कपड़े धोबी के पास धोने के लिए भेज दिए। तो बच्चों इसमें इस तरीके से दो छोटे छोटे बच्चों ने मदद की है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, धुआं, धक्का, धन्यवाद, धब्बा, धनिया, धोबी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आइए अब इसके बारे में चर्चा करें। तो कहानी के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों, देखते हैं कहानी में दो भाइयों के क्या नाम थे। तो धीरज और ध्रुव। गाड़ी से क्या निकल रहा था? धुआं। गाड़ी वाले ने उनको क्या बोला? धन्यवाद। मम्मी ने उनको खाने में क्या दिए? पकौड़े और धनिया की चटनी। मम्मी ने कपड़े धोने के लिए किसे दिए? धोबी को। तो बच्चों आपको जो है, अच्छा बताइए इन शब्दों को बोलते समय सबसे पहले कौन सी आवाज़ आई? तो कौन सी आवाज़ आई बच्चों इन सब में? ध की। तो सही पहचाना बच्चों, ध की आवाज़। अब चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को बोलकर देखिए, वह ध अक्षर से शुरू होने शुरू अक्षर की आवाज़ से शुरू होने वाले चित्रों पर गुड़ा लगाएं। तो जो ध शुरू होते हैं उन पर गुड़ा लगाना है। ध से धागा, ठीक है, धुआं, ये फ्रॉक है, ये तो नहीं है, धरती, ठीक है। और देखिए बच्चों ये भी क्या है? धुआं है ना, धोती, और ये तो झाड़ू हो जाएगा, ये तीर हो जाएगा, ये धूप हो सकता है ना, धूप, सूरज से धूप लगती है हमें। अब आगे देखिए, आइए अब नीचे दिए गए चित्र में ध्रुव को धनुष बाण तक पहुँचाए। ध्रुव को जो है धनुष बाण तक पहुँचाना है। तो कैसे कैसे जाएगा ध्रुव? तो देखिए ध्रुव जाएगा इस तरीके से, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो फंस गया। तो क्या करना है? हाँ, यहाँ से इसको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे, इस तरीके से इसे धनुष तक पहुँच जाएगा। तो बच्चों अब देखते हैं कि वाक्य के लिए क्या सुझाव दिया गया है। बच्चों को ध अक्षर शुरू होने वाले वस्तुओं के नाम वह उनकी पहली आवाज़ की पहचान का अभ्यास कराया जा सकता है, जैसे कि धन्यवाद, धूप, धरती इत्यादि। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपका वीडियो कैसी लगे। मिलते हैं मुझे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।